हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मिठाई की रेसिपी। त्यौहार के सीज़न में फ्रेंड्स क्या होता है कि मार्केट में मिलने वाली मिठाइयों में केमिकल यूज़ होता है जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों के लिए लड्डू की एक बहुत सी आसान ही और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ चना दाल एक कटोरी लिया हुआ है और आधी कटोरी हमने यहाँ सूजी ली हुई है। चने दाल को हमने रात भर पहले पानी में भिगो दिया था जो अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। चना दाल और सूजी को हमने मिक्स करके इसे पीस लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ तलेंगे। हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म हो चुका है रिफाइंड। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मिठाई की रेसिपी में हम क्यों पकौड़ी तलने को बता रहा है, तो ये इस मिठाई की एक खास ट्रिक है जिससे आपको बूंदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही झटपट बनके ये टेस्टी लड्डू तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम पकौड़ियों को तलते हैं। सारी पकौड़ियों को हमने मीडियम फ्लेम पे तल लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पकौड़ियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जब तक पकौड़ियाँ ठंडी हो रही है फ्रेंड्स तब तक हम इसके चाशनी की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने एक कटोरी चीनी ली हुई है। एक कटोरी चीनी में हम यहाँ आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स तार वाली चाशनी नहीं हमें तैयार करनी है, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ऐसी ही चाशनी हमें तैयार करनी। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। पकौड़ियाँ ठंडी हो चुकी हैं, अब इसे हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पिस गई है पकौड़ियाँ। देखिए छोटी छोटी बूंदियों के तक कितनी बढ़िया ये दिख रही हैं। यहाँ हमारा सीरा भी तैयार हो गया है। चिपचिपाई चाशनी रखना है, तार वाली बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसे हम मिक्स करेंगे। चाशनी को हमने मिक्सचर में अच्छे से मिला लिया है। मिक्सचर पूरा रेडी हो गया, अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होती है। साथ ही आप जब इस लड्डू को बनाकर खाएंगे तो आपको मार्केट के लड्डू से भी ज़्यादा टेस्ट इसमें लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दिवाली स्पेशल चना दाल के लड्डू की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। आप इसे ज़रूर बनाइए। आप एक बार बनाएंगे तो आप मार्केट से लड्डू लाना भूल जाएंगे। मार्केट से भी अच्छे टेस्ट में ये बनकर तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ही बढ़िया और कितनी ही बढ़िया और शानदार दिख रही है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लड्डू। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, मार्केट से भी बढ़िया लगेगी आपको। एक बार आप बनाएंगे तो आप मार्केट से लाना ही भूल जाएंगे। तैयार हो गई है हमारी दिवाली स्पेशल चना दाल लड्डू, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए फ्रेंड्स अगर आप एक बार बना देंगे तो आपको बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और आप मार्केट से तो लाना ही भूल जाएंगे लड्डू। ये इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।